सस्वीकाल केम छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज जिस रेसिपी के साथ आई हूँ, मेरे हाथ की बने ये अचार लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लोगों यानी कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को, और ये बहुत ही हेल्दी है। चाहे आप इसको विंटर्स में खाइए, चाहे इसको समर्स में खाइए या स्प्रिंग सीजन में खाइए। अब बनाना इसको बहुत आसान है। इसको मैंने प्याज और लहसुन दोनों को मिक्स करके बनाया है, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। तो आसानी से बनने वाला ये लहसुन और प्याज का अचार मैंने कैसे बनाया ये देखते। ये लहसुन है जिसे हमने छील के 2 घंटा धूप में दिखा दिया है। ये प्याज है, इसको भी हमने छोटा छोटा आकार वाला प्याज लिया हुआ है हमने, और इसको भी छील के धो के सुखा लिया है। आप चाहें तो इंस्टेंट इसको कपड़े से भी अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं। 250 ग्राम लहसुन लिया है, प्याज 1/2 किलो होगा। आप दोनों बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। प्याज ज़्यादा होना चाहिए और लहसुन की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि लहसुन जो होता है बहुत तेज़ होता है। बहुत बहुत हेल्दी रेसिपी ये बनने वाली है, इसे ज़रूर सर्दियों में खाएं और गर्मियों में भी आप इसको खा सकते हैं, यानी कि ये किसी भी सीजन में खा सकते हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। मसालों में मैंने लिया है सौंफ, ये 1 बड़ा टेबल स्पून है। 1 छोटा टीस्पून लिया है हमने हल्दी। नमक स्वाद से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून पीली सरसों है, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च ले स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून लिया है। ये है कलौंजी, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। जनरली लोग अचार में कलौंजी पीस के डालते हैं, आप कभी ना डालें, इससे अचार आपका जल्दी काला पड़ जाएगा और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप कलौंजी यूं ही यूज़ करें, और मैंने यहाँ कलौंजी कम ही लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है। ये है बनारसी राई, जिसे छोटी राई भी बोलते हैं, ये भी मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। ये हींग है, हींग भी हम 1/2 टीस्पून लेंगे। मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम 2.5 टेबल स्पून। एक कढ़ाई लें, गैस ऑन करें, उसमें डालें ये पीली सरसों, राई और सौंफ भी साथ ही साथ डाल देंगे, और इसको धीमी आंच पे भूने जब तक ये चटर चटर ना करने लगे। यानी कि ये देखिएगा, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से भुनेगा, तो हमको पता चलेगा। लहसुन हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने पिकल्स में लहसुन का यूज़ ज़रूर करूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ प्याज से भी आप ये रेसिपी बहुत हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं। आप इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मेथी भी डाल सकते हैं। मैं मेथी इसमें नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ा सा कड़वापन लगता है अचार के अंदर, इसीलिए मैं इसके अंदर मेथी ना डाल के हींग अच्छी मात्रा में डालती हूँ। और ये ज़रूरी है कि किसी भी अचार में हींग और मेथी का यूज़ किया जाए, तो मैं यहाँ पे हींग यूज़ कर रही हूँ मेथी की जगह पे, लेकिन आप जीरा और मेथी दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हो गया। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये मसाले भुन जाते हैं। अब इसको मिक्सी में डाल के हम दरदरा पीस लेंगे, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने दरदरा पीस लिया है। अब करना क्या है, एक हम बोल लेंगे, प्याज को हम इस तरीके से, या तो हम इस तरीके से स्लिट कर लें, यानी कि 4 भागों में आप थोड़ा इसके अंदर भर दें, या आप इसको इसी तरीके से रहने दें, बस इसी तरीके से सारे प्याज तैयार कर लें स्लिट करके 4। अब इसमें डालें ये लहसुन। अब हम ये पिसे हुए दरदरा पिसे हुए मसाले इसके अंदर डालेंगे। हल्दी, लाल मिर्च डालें स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा स्वाद से ज़्यादा डालें ताकि आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। हींग डालें इसके अंदर, नमक ज़्यादा ही रखें, 2 टेबल स्पून। पहले ऑयल डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल और डालना होगा, और आप ऑयल हल्का सा गुनगुना भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम इंस्टेंट खाने के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में रखना है, लंबे पीरियड के लिए रखना है, तो इसको 2 दिन धूप दे दें, और 2 दिन धूप देने के बाद ये आपको खाने को बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कुछ लोग इस प्याज को भर के भी बनाते हैं, जैसे 4 स्लिट किया उसके अंदर भर दे, तो ये लेकिन इस तरीके से भी इसके अंदर चली जाती है। साथ ही साथ इसमें कलौंजी डालें, आप कलौंजी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये देखिए अचार बनके अब रेडी हो गया है।
लहसुन में बहुत आयुर्वेदिक गुण हैं। जब मैं छोटी थी तो बचपन से माँ बताती थी कि लहसुन खाना चाहिए, लहसुन से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम, बोन्स और बहुत सारे विटामिन्स हैं इसके अंदर। साथ में अगर प्याज का कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या बात होती है। दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है और ये अचार बनाने में बहुत आसान है। आप ज़रूर अपना फीडबैक दें, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। नलिनी को अपना सहयोग दीजिए सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो भी अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, और आपके नापसंद पे मैं वर्क करूंगी और आपको जो पसंद होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। तो अभी के लिए आपकी नलिनी इजाजत चाहती है। नमस्कार।